नहीं है कि आप उसे छोड़ दोगे कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है देन यू कैन स्टार्ट विद कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है सेकंड बुक की अगर एंट्रीगल्स आता हैदर सो so sure so उसके बाद आप करोगे डिफरेंशियल देन वेक्टर एंड थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री डी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके जो डिफिकल्ट वाले हैं वो सिलेबस में है नहीं राइट कुछ टाइम पहले ही कुछ साल पहले ये कट चुके हैं सो so, ये भी आपका जो है आसान टॉपिक हो चुका है लीनियर प्रोग्रामिंग इज द इजिएस्ट वन प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करो सो बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है सो श्योर प्रोबेबिलिटी में आप बेस थ्योरम कर ही रहे हो, राइट right? सो so, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इंटीग्रेशन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है सो यू मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग इट सारे ही क्वेश्चन आप करते हुए चल रहे हो एंड क्वेश्चन देख के आपको अप्रोच समझ में आ रहा है कि ओके okay, अगर ये क्वेश्चन है इसे हमें सब्स्यूशन से करना है इसे हमें आईलेट से करना है जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं मेक श्योर आपको सभी पता है कि किस मेथड से हमें क्या करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है बिकॉज़ उसका वेटेज ज्यादा रहता है प्रोबेबिलिटी मैं ऑलरेडी टोल डियों की बेस्ट थी और आपको करनी है वैक्टर और थ्री डी थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं मेक श्योर यूर डूइंग इट टू और थ्री टाइम्स रिलेशन फंक्शन डिफिकल्ट है दैट इज एट स्टार्टिंग उससे मत करना बट छोड़ना तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं है राइट इजी की अगर हम बात करें तो so, इनवर्स फंक्शन ईजी है राइट इनवर्स टिग्नोमट्रिक फंक्शन है आपका वो आसान है बिकॉज दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ओनली बट पे इनवर्स आ जाता है मैट्स डिटर्मिनेट बहुत ईजी है एंड लीनियर प्रोग्रामिंग सो ये बेसिक चैप्टर्स है जो आपके ईजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सो मेक श्योर ईजी वाले तो आप कर ही लोग हरी बच्चा कर सकता है बट मेक श्योर मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले का आपका रिविजन प्रॉपरली हो रहा है सारे टॉपिक उसके अंदर जितने भी कैटेगरीज हैं क्वेश्चन की वो सारी ही आप करते हुए चल रहे हो सो नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर नॉलेज सो इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड द चैप्टर्स दैट हैव बीन कवर्ड सो फार देन यू कैन मूव अहेड विद डिटेल लेक्चर्स डिटेल लेक्चर्स में आपके सारे ही क्वेश्चन होंगे जिस भी कैटेगरी के क्वेश्चन होते सारे क्वेश्चन उन्होंने कंपाइल कर रखे होंगे एंड दैट वुड बी टाइम टेकिंग एज वेल तो अगर आपके कॉन्प्ट अच्छे हैं तो आप जल्दी जल्दी नो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट इन केस इफ यूर वीक इन यू नो आपने स्टिल अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो देन गो अहेड विद वन शॉर्ट वीडियो अब अगर आपको कोई सल्यूशन देखना है सो ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप है इन केस इफ यू वॉन्ट टू आप कॉमेंट कर सकते हो विल सेंड यू द लिंक सो दैट यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप ऑफलाइन सोल्यूशन का ये हेल्प रहता है कि अगर आप फोन में देख भी रहे हो तो आपका नेट ऑन नहीं है सो दे आर नो डिस्ट्रैक्शंस राइट सो थोड़ा बेटर रहता है प्रैक्टिस आपको करते हुए चलनी है ना बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एनसीआरटी इनफ है सो so, एन आपको कंप्लीट करनी ही करनी है यू शुड कम्पलीट इट एटलीस्ट ट्वाइस ठीक है सारे क्वेश्चन उसे कवर अप करते हुए चलना है आपको ना इफ़ यू हैव डन एन सी आर टी ट्वाइस और थ्राइस ऑल राइट देन दैट इज देन यू कैन स्टार्ट अहेड विद क्वेश्चन बैंक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो सो बेसिकली मैथ्स में ये होता है कि आपको कीप ऑन यू न्यू यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट क्योंकि क्वेश्चन इसमें डिफरेंट तरीके के होते हैं अप्रोचेज आर डिफरेंट एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ना प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए किसमें से क्वेश्चन किस ज्यादा आते हैं सोल्यूशन एप के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है फॉर्मुले सारे ही आपको याद होने चाहिए अगेन आप एक सेपरेट कोई शीट में राइट डाउन द फॉर्मुलाज ंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट चैप्टर एंड टाइम देखते हुए चलो टाइम ज्यादा तो नहीं लग रहा है ऐसा तो नहीं है यू जस्ट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाए बिकॉज अगर आप अभी वन टॉपिक यू हैव आप डारनी हो मेकिंग श्योर दैट उसकी नॉलेज आपको प्रॉपरली है तभी जाके वो यू नो जब आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे सो so उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टाइम नहीं लगेगा सो यू नीड टू फोकस की ये टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है यू नो यू कैन मेक श्योर योर यू आर वॉचिंग विडियोज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक सो दैट आपका डाउट ना रहे सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है ठीक है मेक श्योर योर राइटिंग प्रॉपरली सो so दैट आपको अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने यू हैव रिटर्न समथिंग एल्स एंड यू आर कॉपिंग समथिंग एल्स ओके सो मेक शो यू नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स देर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स सो मेक श्योर प्रैक्टिस आप कर रहे हो बिकुज जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगे सो ऑल स्टेप्स हैव टू भी मैंशन दैज यू नो स्टेप मार्किंग होती है सो so ऐसा ना हो कि फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है आपने बहुत जल्दी से उसे नो कम्प्लीट कर दिया है स्टेप्स के मार्क्स होते हैं सो मेक श्योर यू आर शोइंग ईच एंड एवरी स्टेप इन योर एग्जाम

कोई कोई शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं बिकॉज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है वरना बट उस शॉर्टकट के चक्कर में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए मेक श्योर यूर डूइंग इट प्रॉपरली सो वो कब होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे सो क्रॉस कॉर्स चेक करते रहो कि जो भी आप कर रहे हो स्टेप्स आर दे राइट और नॉट ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो आई होप यू लाइक दिस प्लीज गिव इट लाइक शेयर कॉमेंट एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड विल भी कमिंग मोर विथ सच वीडियोज़ प्लीज़ कॉमेंट डाउन अगर आपको कोई भी क्वेरी है वी विल रिवर्ड बैक एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ क्लास या मे बी सैम्पल पेपर सॉल्विंग कैसे एग्जाम में लिखना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा कुछ भी सो यू कैन राइट बैक ऑन द ई मेल एड्रेस और मे बी यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो राइट सो सी यू बाय